जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, बेहर सिंह चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर है, जो कि 14 मई को है। दक्षिण भारत में नरसिंह उपासना की बहुत पुरानी परंपरा है। वैसे तो हिंदू धर्म में भगवान के दशावतार की उपासना की बहुत महत्व है, और भगवान नरसिंह जो है भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। मतलब मत्स्य, कश्यप और वराह अवतार के बाद नरसिंह अवतार चौथे अवतार हैं, और ये अवतार उन्होंने अपने भक्त प्रह्लाद के लिए लिया था। अपने पिता के अत्याचार से बचाने के लिए लिया था। भगवान जी का जो तीसरा अवतार था वराह अवतार, उसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप के जो भाई थे हिरण्याक्ष, उसका वध किया था, क्योंकि उन्होंने धरती माता को ले जाके समंदर के अंदर छिपा दिया था। और इसमें जो जीव सत्ता थी वो लोप होने के कगार पर आ गई थी, तो भगवान ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध करके माता पृथ्वी का उद्धार किया था। तो इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप जी उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, और उन्होंने भगवान विष्णु के समकक्ष होने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी। और उनके बाद उन्हें वरदान मिला था कि वो ना तो दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना कोई नारी उन्हें मारेगा, ना वो कोई पुरुष उन्हें मारेगा, ना वो अस्त्र से मरेंगे, ना वो शस्त्र से मरेंगे। तो इनडायरेक्टली उन्हें ये वरदान मिला था कि वो अमर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई भी प्राणी सत्ता अमर नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को भगवान विष्णु के समकक्ष मान लिया था, और वो उसके बाद सबको बाध्य करने लगे कि उनको सर्वोच्च कर्ता भगवान मानने के लिए। और जो मुनि ऋषि, जो भी लोग उनको भगवान नहीं मानते थे, उनके ऊपर उनका अत्याचार शुरू हो गया था। तो उनका जो पुत्र था प्रह्लाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और उसने उनके पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो उनको पता था कि जो सर्वशक्तिमान है वो परम विष्णु भगवान हैं, और वही हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। और ये बात जो है हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगी, और उसने उसके पुत्र को मारने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए। अपने बहन तक को उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए भेज दिया होलिका को, लेकिन वो खुद मर गई, लेकिन भगवान प्रह्लाद को बचा लिए। उसके बाद वो स्वयं प्रह्लाद को मारने के लिए कहा कि अगर भगवान आपके आसपास हैं, चारों तरफ हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, तो आप आज उन्हें पुकारिए, क्योंकि आज आपका शेष दिन है और आप अपने पिता के हाथों मरेंगे। और भक्त प्रह्लाद को बचाने के लिए भगवान नारायण नरसिंह अवतार में अवतरित हुए थे, और वो स्तंभ से निकले थे। ना वो पुरुष थे, ना वो नारी थे, उनका शरीर मनुष्य का था, सर जो था सिंह का था, और उनका जो अस्त्र था वो शंख, चक्र, गदा और नाखून था। और वो किसी हथियार से नहीं मारने वाले थे, वो अपने नाखून से ही हिरण्यकश्यप को मारने वाले थे, और उन्होंने उनका वध ही किया, नाखून से वध किया। और जिस तरीके की उनको मिला हुआ था वरदान, उसी के हिसाब से ही हिरण्यकश्यप का वध किया गया, भगवान ने उनका वध किया। और जो नरसिंह चतुर्दशी है, आज ही के दिन भगवान ने नरसिंह अवतार का स्वरूप लिया था। और क्योंकि भगवान जी का जो स्वरूप है वो क्रोधी थे, इसलिए ज़्यादातर लोगों के घर में भगवान नरसिंह की कोई चित्र प्रतिमा नहीं होती। और भगवान जी की इस दिन उनकी जो पूजा होती है, उनकी अर्धांगिनी होती है भगवान नरसिंह ही, नरसिंह जी के साथ नरसिंह ही की पूजा होती है। और जैसा मैंने कहा कि क्रोधित रूप में होते हैं, तो घर में तो इनकी पूजा होती नहीं, और मंदिर में इनकी पूजा होती है, और इनकी पूजा व्रत की बहुत मतलब मान्यताएं हैं। और जैसा मैंने कहा कि दक्षिण भारत में भगवान नरसिंह पूजा की बहुत मान्यता है, लोग उनको वहाँ पर बहुत मानते हैं। और अगर आप शुद्ध चित्त से भगवान नरसिंह की पूजा करेंगे तो वो सदैव आपकी रक्षा के लिए आपके साथ होंगे। ऐसा मान्यता है कि भगवान नरसिंह बहुत अपने भक्तों के प्रिय हैं। और आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो व्रतधारियों के लिए भी है और भगवान नरसिंह के प्रसाद के लिए भी है, वो है नवरत्न खीर। ये फलाहारी है और ऑथेंटिक नवरत्न खीर है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नवरत्न खीर। तो नरसिंह चतुर्दशी के लिए आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं, जो व्रत करते हैं नरसिंह चतुर्दशी की, ये उनके लिए है, और भगवान नरसिंह के पास भोग लगाने के लिए भी है, वो है नवरत्न खीर। नवरत्न खीर एक फलाहारी खीर है,
जो लोग नवरत्न खीर में चावल डालते हैं, बिल्कुल भी अगर आप एक बार चावल डाल देंगे तो नवरत्न खीर नहीं रहेगा, चाहे आप उसमें कोई भी चीज़ डाल लें। ये एक फलाहारी भोग की रेसिपी है नवरत्न खीर। जिन भगवानों के पास चावल का भोग नहीं लगता उनके पास नवरत्न खीर लगता है, तो वही नवरत्न खीर हम लगाने वाले हैं आज भोग के रूप में। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ ली वो तो हम एक एक डालेंगे जब, तब आप देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, वो एक बार बॉयल हो चुका है और मैंने उसको धीमा कर लिया है, उसको थोड़ा और रिड्यूस होने देते हैं, मतलब 1 लीटर दूध को 700 ml होने देते हैं। उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे वो है ये ड्राई फ्रूट्स। इसको मैंने 5 घंटे से भिगो के रखा है। ये काजू है, ये अखरोट है और ये है बादाम आलमंड। इसका हमें पेस्ट बनाना है। यहाँ मैंने 25 ग्राम लिया है आलमंड और उनसे थोड़ा कम लिया है काजू और अखरोट। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं क्योंकि हमें एक ड्राई फ्रूट का पेस्ट चाहिए। आप इसमें मगज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें हेजलनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे मैं उसका एक पेस्ट बनाऊंगी। जब ये दूध थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद हम इस पेस्ट को इसमें डालेंगे। अभी देखिए दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हमने आपको दिखाया कि भिगो के हमने रखा था उसका ये पेस्ट हमने बना लिया है और इसको हम इसमें डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से दूध के साथ मिला लेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमें पकाना है। इस ड्राई फ्रूट्स को इस दूध के साथ हमें 10 मिनट तक पकाना है और उसके बाद जो भी मीठे में आप ऐड करना चाहें ऐड करें। मैं क्या ऐड करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी और वो आपको डालना ही है, जो भी मैं आपको दिखाऊँ उसको आपको डालना ही है, तब जाके इसकी जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो निकल के बाहर आएगी। अभी देखिए मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, ये काफ़ी मोटा हो चुका है। आप कितना पतला कितना मोटा रखेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये थोड़ी पतली होती है, नवरत्न खीर थोड़ी पतली होती है क्योंकि हम उसमें मोटा स्टार्च निकालने के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं। जो भी इसमें थिकनेस आएगी वो ड्राई फ्रूट के पेस्ट से ही आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची का पाउड मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये तो पक चुका है और मुझे इतना ही पतला चाहिए क्योंकि जब मैं इसे ठंडा कर लूँगी तो ये थोड़ा और मोटा हो जाएगा। और अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर, और जब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट में फ़र्क तो आएगा ही है, क्योंकि कंडेंस मिल्क डालने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मीठा आप कितना डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, इसी वक्त डाल सकते हैं। खैर मैं नहीं डाल रही हूँ मीठा, क्योंकि जितना कंडेंस मिल्क में डालूँगी उतने में जितना मीठा होगा उतना हो जाएगा हमारा। तो अगर आप उससे ज़्यादा मीठा डालना चाहें तो कंडेंस मिल्क डालने से पहले आप उसमें शक्कर या फिर मिश्री जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हमें और नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा मिला लेना है और गैस को ऑफ कर लेना है, क्योंकि मुझे जितना पतला चाहिए मुझे वो मिल चुका है। जैसा मैंने कहा आप कितना मोटा या कितना पतला रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी देखिए ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको दूसरे पॉट में निकाल लिया, आधा निकाल लिया है, सब नहीं निकाला है। और अभी हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स अगेन आप अपने मर्जी से डाल सकते हैं, आप कौन सा फ्रूट डालना चाहते हैं, आप इसमें कोई भी फ्रूट डालें, लेकिन अनार मत डालें, क्योंकि जब आप इसको खाएंगे तो ये जो खीर है इसके साथ जब अनार वो मुंह में आएगा तो उसका बीज आपके मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अनार को छोड़ के आप कुछ भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं आपके पसंद के। मैं यहाँ पर खजूर डाल रही हूँ और मैंगो डाल रही हूँ और इसमें एप्पल डाल रही हूँ। जो फ्रूट्स अभी मेरे पास अवेलेबल थे मैं वो डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट्स डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मत डालें।
और ये नवरत्न खीर कैसे हुआ देखिए, हमने इसमें 9 चीज़ें डाली हैं। नवरत्न का मतलब होता है 9 चीज़ें, लेकिन वो फलाहारी होती हैं। कभी भी चावल की खीर नवरत्न खीर नहीं होती। जब भी आप नवरत्न खीर बनाएं, चावल उसमें कि कोई भी चावल हो गया, कि समक हो गया, कि और भी जो भी चीज़ आप मतलब फलाहार व्रत करने में खाते हैं वो मत डालिए, क्योंकि नवरत्न खीर सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनता है और उसमें फ्रूट्स थोड़े डाले जाते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या 9 चीज़ें डाली, हमने इसमें आलमंड डाले, हमने इसमें काजू डाले, हमने इसमें वॉलनट डाले हैं, दूध डाला है, कंडेंस मिल्क डाला है, इलायची डाली है, और इसमें हमने डाला है एप्पल और खजूर, और मैंने डाला है मैंगो। तो हमने इसमें 9 चीज़ें डाली हैं। आप अगर मीठा शक्कर डालना चाहते तो अलग बात है, लेकिन जो कंडेंस मिल्क है वो भी मीठा है, शक्कर भी मीठा है, तो मीठे में एक चीज़ जाएगी। तो ये हमारे 9 चीज़ें हो गई, 9 चीज़ों से बनी नवरत्न खीर। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप इसे भगवान के पास भोग लगाएं या फिर व्रत में खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर हमारा एक भोग रेसिपी और उपवास की भी रेसिपी। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा और आप कभी ना कभी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।